एक्स मुस्लिम एग्नोस्टिक हाँ जी जी इस भाई भाई कैसे हैं ठीक क्या कहना चाहेंगे अच्छा नहीं पता ने इस न्यूज को कवर किया था आ, आप में से किसी ने इस न्यूज़ को कवर किया था चुपे. आ, ये तकरीबन एक महीने पहले ये न्यूज़ आई थी कि ये जो हमारे सिंगर हैं पाकिस्तान में शफकत अमानत अली और, और जो और जो सूफी सिंगर हैं आबदा परवीन उन दोनों के बारे में तो जो शफकत अमानत अली उनको वो वेलकम कर रहे थे आब्दा परवीन को तो तो जब वो वेलकम कर रहे थे तो वो तो नीचे झुकी थी और उनके और उनके पाँच छूने की कोशिश की थी उन्होंने तो तो उन्होंने रोकिया था शफकत ने रोकिया था उनको तो तो जब ये इवेंट हुआ था उसके बाद मतलब ये न्यूज़ जो है ना वायरल हो गई थी और इस्पेशली जो उनके जो फैंस हैं आब्दा परवीन के वो वो इससे बड़ा अपसेट हुए थे उनकी आ, आ, उन, उन, उनकी हरकत से वो कह रहे थे कि आप लोग जो है वो, वो वाला काम कर रहे हैं कि जो जो हिंदू करते हैं मतलब हिंदू वाला, वाला काम कर रहे हैं आप लोग इस्लामी मुल्क में तो आ, तो मतलब मैं मैं ये, ये कह रहा था कि इन लोगों का ये कहना है कि जो लोग शोबे की दुनिया में काम करते हैं स्पेशली जो सिंगर्स हैं जो गाने बजाने का काम कर रहे हैं तो उन लोगों का जी एग्जैक्टली exactly, यही वाली वीडियो थी तो आ, ये इस तो पर रोक लिया हाँ बोले थे हाँ yeah. uh, मैं तो मैं यही कह रहा था कि, कि मतलब इन, इनका ही कहना है कि स्पेशली uh, ये, ये लोग जो सिंगर्स हैं सिंगर्स हैं म्यूजिशन हैं डांसर्स हैं ये लोग मतलब खाली नाम के ही मुसलमान हैं जो uh, uh, तो तो मतलब अगर ये लोग खाली नाम के मुसलमान हैं तो अगर ये लोग इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो मतलब आई I मीन mean, आप लोगों ने तो इनको पहले से पहले से ही इस्लाम से मतलब खारिज कर दिया है तो इस इस बात पर इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है इन, इन लोगों को तो uh, आप पर भी तो दोनों तो खैर मशहूर है कि वो कि वो सूफी सिंगिंग करती हैं खैर कवाली के अलावा वो भी गाती हैं खजल और काफ़ी भी गाती हैं और शफकत अली तो का तो हमें पता है कि पता है कि वो लोग रोमांटिक सॉन्ग्स भी गाए भी उन्होंने उन्होंने जो बॉलीवुड में भी गाए हैं सॉन्ग्स तो, तो मतलब इन लोगों का जो इन लोगों का तो मैं कहूँगा कि इस्लाम से कोई इतना क्लोज़ रिलेशन है भी नहीं तो तो मेरे पास समझ भी नहीं आई इन लोगों ने इसको इतना बड़ा क्यों इशू बनाया पर इसलिए बनाया मैं आपको बताता हूँ इसलिए बनाया क्योंकि ये मुआशर ही मुनाफों का वही बात है इन्हें इन्हें इन्होंने केक बनाना भी और खाना भी है इन्होंने म्यूजिक रखना भी है और इस्लाम में सारी बात है इसकी मानना था आप या तो वही बात आ जाती या तो असल इस्लाम जो है वो किसी के हलक के नीचे उतर ही नहीं सकता इक्कीसवीं सदी में बल्कि किसी भी महज मुआशरे में नहीं उतर सकता आप फिल्में ड्रामे दाढ़ी बनाना ये जो तालिबान ने भी किया है आप हर चीज ही आपको बैन करनी पड़ेगी लेकिन उन्होंने रखी हुई वो, वो सारी वो कल्चर जो हमारे इंडिया से इम्प्रेस्ट है ये जो हाथ लगाना है बड़ा एक आजी वाला सिस्टम है आई लाइक दिस अगर अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हैं तो इसमें कोई ये तो कोई ऐसी बात नहीं है ले, लेकिन वही बात है क्योंकि इसका रिलीजन से किसी भी अच्छी चीज का जो आर्ट की है या कल्चर की ब्यूटी है मोहब्बत दो जवान लोगों का मोहब्बत होना इससे खूबसूरत और चीज क्या होगी ये इस्लाम उसके भी खिलाफ है हर चीज में अपनी कद करनेने तो इनको तो ये, ये तो म्यूजिक ये जो बड़े मजे से आते फसलम वगैरह को इंजॉय करते हैं वो भाई यहाँ कड़ा मुसलमान है अपना इस्लाम बनाया इन लोगों ने सो तो ये मुराफे जो होती है ना और यही खान साहब जो अभी कर रहे हैं

असल में अगर आ, मुझे नहीं पता कि आपका ताल्लुक किधर से है पंजाब में ये चीज़ बड़ी मायूब है मगर सिंध में किसी के घुटनों को पाओ को हाथ लगाना इज नथिंग एट ऑल और लोग ये बहुत आम करते हैं जो भी बंदा सिंध में रहा है इंटीरियर सिंध में गया है आगे पीछे आया गया है सिंधियों को जानता है ये चीज है ही नहीं है कि जी वो पाओ को हाथ नहीं लगाते पाओ को हाथ लगाते हैं भाई घुटनों को हाथ तो मैंने दस लोगों को दस लोगों के लगाते देखा कोई कि कोई किसी बूढ़े से मिलता है कोई किसी हाई प्रोफेशनल से मिलता है कोई किसी पॉलिटिशियन पीर फकीर से मिलता है घुटनों को हाथ लगाना तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है और जब आपदा प्रवीण ने हाथ नीचे किया मतलब था कि वो पाओं को लगाने लगी थी वो हो सकता है घुटनों को हाथ लगाने लगी क्योंकि सिंध में यह चीज बहुत ज्यादा और सदर पंजाब में भी ये चीज है तो अगर कोई ये कह रहा है कि ये इंडिया को फॉलो कर रहे हैं तो यार मतलब आपको पाकिस्तान में आप मुझे पता है ना कि ज्यादातर तो पाकिस्तानी कुएं के मैंडक है ना अगर आपने सिंध का ही कल्चर देखा हो और आपको पता हो कि सिंधी लोग कैसे उनका और बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है इसमें कोई मतलब वो बात नहीं है और वो किस तरह से दूसरे को इज्जत देते हैं वो एक चीज़ है झुक के मिलते हैं घुटने छू लेते हैं पाँव भी छू लेते हैं लोग और इसका कोई हिंदुज़म से इंडिया से ताल्लुक़ नहीं है कोई आपदा प्रवीण इंडिया की फिल्मों से इंप्रेस नहीं हुई ठीक है ये ना आप समझें Uh, और आब्दा परवीन इज अ वेरी ह्यूज आर्टिस्ट और uh, मतलब उनकी इज्जत बहुत ज्यादा है और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और यह भी कहना मैं यहाँ पे कोई गलत नहीं कह रहा कि इंडियंस भी अगर पाँव छूते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं अगर उनको भी कोई देख के पौ छूने लग जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ठीक है मगर ये सिंध का कल्चर है पाँव छूना या घुटने छूना ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है कोई गलत बात नहीं है दिस शोज के आब्दा परवीन देखें शफकत मानत अली का आपदा परवीन के से कोई मुकाबला नहीं है।, She is just a giant, है मगर उनकी आजी है कि वह शफकत मानत अली को भी किस तरह से मिल रही है इसमें क्या देखा तो ये ये कोई मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं है लोग अगर इस तरह से बात कर रहे हैं तो भाई कुएं के मैंडो को तुम तुम्हें पता ही नहीं है असल बात क्या है नहीं लेकिन नहीं, गलत बात तो ऑब्वियस ही नहीं है लेकिन आर्गूमेंट जो पॉइंट इन्होंने ये रखा है कि भाई ये इस्लामी तो नहीं है ना जो भी है वो तो ऑब्वियसली आप सिंध का भी कल्चर कह रहे हैं इस्लामी तो नहीं है मेरा मेरा पॉइंट आगे से ये है कि ये जो तो बड़ी ये जो हाथ जो हाथ में जो जोड़ते हैं सिंध में हाथ जोड़ के किसी को सलाम करना कोई बात ही नहीं है सिंध में अगर मैं सिंध में मैंने इतना जॉब किया है कोई बंदा मेरे पास आता है साई साई हाथ जोड़ते हाथ जोड़ना कोई बात ही नहीं है मैंने आपको कहा और सिंधियों की एक ये है कि वो इस्लाम को उन्होंने अभी तक इतना अपने सर पे सवार नहीं किया था ठीक है अभी कुछ ये ये वाकतिया मिठू वगैरह वाली तरफ से आने लग गए हैं ओवरऑल आई लाइक सिंधी कल्चर जिस तरह वो प्यार देते हैं इज्जत देते हैं लोगों को जिस तरह वो मतलब जो है ना वो क्या उसको कहते हैं उनका बड़ा खूबसूरत कल्चर है और आपको ये अगर ये कहे कि जी कहेगा प्रवीन ने कुछ कोई पाकिस्तान से गद्दारी कर दी है अली के पाओ को हाथ लगाने से या घुटने घुटने को हाथ लगाने से तो आपको शर्म आनी चाहिए भाई सिंध में यह बहुत ही आम सी बात है चलें तो बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पर पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।